हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में दो सस्ते रिचार्ज प्लान बताऊंगा एयरटेल और जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं तो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप 2022 स्टार्ट होने में बस एक दिन का समय है। ऐसे में दोस्तों आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे तो बीच में ही डेटा ख़त्म ना हो जाए, या फिर दोस्तों आप ये मैच कहाँ पर फ्री में देख पाएंगे, जो कि दोस्तों आपको कौन सा सस्ते प्लान लेना होगा जिससे आप ये पूरे का पूरा मैच देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पूरा अपडेट बता रहा हूँ, जहाँ पे दोस्तों आपको मैच देखने वाला डिज्नी प्लस हॉट स्टार भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको सबसे पहले दोस्तों जियो के माई जियो ऐप में ले जाता हूँ और जियो का सस्ता रिचार्ज बताता हूँ, जिसमें दोस्तों आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार के साथ साथ डेटा भी मिलेगा। दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो। दोस्तों मैं जियो एप्लीकेशन में आ गया हूँ, यहाँ पे रिचार्ज का सेक्शन में जाना है और यहाँ पे मैं दोस्तों आपको सबसे सस्ते प्लान बताता हूँ जियो के तरफ से, जो दोस्तों आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में दे रही है। दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक साल का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो जियो के तरफ से 499 रुपये का प्लान है, वहीं एयरटेल की तरफ से भी 499 रुपये का प्लान है, जहाँ पर दोस्तों आपको 2 GB डेटा 28 दिनों के लिए मिलते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलते हैं और 100 SMS डेली मिलते हैं। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इससे सस्ता रिचार्ज प्लान बता रहा हूं जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। दोस्तों जियो का 333 रुपये का रिचार्ज प्लान है, जहां पे दोस्तों 1.5 GB डेटा रोजाना, अनलिमिटेड वॉइस 100 SMS पर डे, जहां पे दोस्तों आपको 28 दिनों के लिए मिलता है ये प्लान, तो वहीं पे दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मात्र 90 दिनों के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका कॉस्ट है 149 रुपये, तो दोस्तों आपको 149 रुपया 333 में से घटा देना है, तो जो भी कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों आपको यही सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है। इसके बाद दोस्तों 1.5 GB के सेक्शन में जाते हैं तो 583 का प्लान है, जिसमें दोस्तों आपको 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है और दोस्तों 1.5 GB डेटा रोजाना, अनलिमिटेड कॉल भी मिलता है। साथ ही दोस्तों 2 GB वाला प्लान में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 799 का प्लान और 1066 का प्लान में मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों 3 GB वाला प्लान में जाते हैं तो दोस्तों आपको 419 का प्लान है, जहाँ पे 3 GB डेटा रोजाना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 601 का प्लान है, इसमें भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 1199 का प्लान है और 4199 का प्लान है। दोस्तों यही सारा प्लान है जहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अब दोस्तों एयरटेल का बात कर लेते हैं, तो एयरटेल में दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिनिमम कितने का प्लान में मिलेगा। दोस्तों रिचार्ज के सेक्शन में यहाँ भी जाना है और यहाँ पे सारे प्लान आपको ऑटोमेटिक ही शो करेंगे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन के लिए कितना का प्लान लगेगा। दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ भी 499 का प्लान, जो जियो में मैंने आपको बताया था एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है, 28 दिनों के लिए, 2 GB डेटा रोजाना, अनलिमिटेड कॉलिंग है, 100 SMS पर डे है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको और प्लान बता दूं कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 839 के प्लान में भी मिल जाते हैं। दोस्तों वहीं पे 3359 के प्लान में भी मिल जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आपको और एक दो प्लान है जहाँ पे दोस्तों 599 का प्लान में पर डे 3 GB मिलता है, इसमें भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 499 का प्लान में दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया था, लेकिन दोस्तों एक जो प्लान है वो काफ़ी बेस्ट है एयरटेल की तरफ से, 399 का प्लान, जहाँ पे 28 दिनों के लिए आपको 2.5 GB डेटा पर डे, 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो सबसे कम प्राइस में जियो में 333 का प्लान है, जहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार अनलिमिटेड डेटा, वहीं पे 399 का एयरटेल की तरफ से है, जहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और दोस्तों अनलिमिटेड डेटा मिलता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों।